हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? व्हाई डिड हमास लॉन्च अ सरप्राइज अटैक ऑन इजराइल? तो इसके लिए सबसे पहले हमें हमास और इजराइल का लोकेशन पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। ये आपका नीचे में आप देखिए, यहाँ पे इजिप्ट है, ठीक है। आप इधर में देखिए, यहाँ पे जॉर्डन है, यहाँ पे आप देखिए सीरिया है ये, और ऊपर में लेबनन है। ये गन जैसा पॉइंट करता है ऐसे में, ये कंट्री है जॉर्डन, और यहाँ पे आप देखिए मेडिटेरेनियन सी है। ये इसराइल में यहाँ पे गाज़ा गाज़ा स्ट्रिप आप देख रहे हैं, ये जो लाइट पोर्शन है ये जस्ट सेकेंड, ये वाला गाज़ा स्ट्रिप है, ये वाला वेस्ट बैंक है। तो वेस्ट बैंक में एक जगह सबसे इम्पोर्टेंट है जेरूसलेम, इसको इसराइल का कैपिटल भी बोला जाता है पर कई कंट्रीज इसको नहीं मानते हैं। और ये टेल अवीव जेरूसलेम के बाद सबसे बड़ा यहाँ का सिटी टेल अवीव है, और वहीं पर कई सारे एम्बेसीज हैं कंट्रीज के। तो आप देखिए, ये रहा इसराइल का मैप, और यहाँ पे ही हमास जो इसकी रेगुलेटिंग बॉडी है, हमास है, तो यहाँ से अटैक हुआ है। आप समझ रहे हैं, यहाँ से चीज़ों के ऊपर अटैक हुआ है, चीज़ों के ऊपर माने इसराइल के ऊपर। और ये लोग इसमें क्या बता रहे हैं, इसराइल यहाँ पे जाके अपने वॉर क्राइम्स कर रहा है वेस्ट बैंक में, तो इसलिए ये लोग यहाँ पे अटैक किए हैं। तो चलिए अब देखते हैं इस आर्टिकल में क्या है। जस्ट लास्ट वीक द इजराइल डिफेंस फोर्सेस सेड गाजा वॉज इन स्टेट ऑफ स्टेबल इंस्टेबिलिटी। तो पहले ही बोल दिया गया स्टेबल इंस्टेबिलिटी में है। येट ऑन सैटरडे मॉर्निंग इजराइल विटनेस्ड अ लार्जेस्ट अटैक फ्रॉम द इनक्लेव एंड परहैप्स द मोर वर्स्ट सिक्योरिटी क्राइसिस इन 50 ईयर्स। तो ऐसा सिक्योरिटी क्राइसिस इसराइल के ऊपर पिछले 50 साल में नहीं हुआ है। वेन डजन ऑफ हमास मिलिटेंट यूजिंग मोटरसाइकिल, पिकअप ट्रक्स, बोट्स, पैराग्लाइडर्स एंड मिड रेंज रॉकेट। तो आप देखिए, कोई तरीका इन्होंने नहीं छोड़ा, जितने पॉसिबल वेज से, बाइक से, ट्रक से, बोट से, पैराग्लाइडिंग से, रॉकेट से, सब इन्होंने मतलब एक साथ बहुत प्लान करके यहाँ पर आप देखिए अटैक किया है इसराइल के ऊपर। लॉन्च हाईली कोऑर्डिनेटेड अटैक, हाँ देखिए हाईली कोऑर्डिनेटेड अटैक, इन्फिल्ट्रेटिंग इसराइली सिटीज, हिटिंग मिलिट्री बेसिस एंड किलिंग एंड टेकिंग हॉस्टेजेस सोल्जर्स एंड सिविलियंस। तो वो उसको हॉस्टेजेस बना के लेकर जा रहे हैं वहाँ के सिविलियंस को। द अटैक्स रेमिसेंट ऑफ द 1973 योम किपुर हॉलीडे अटैक बाय इजिप्शियन एंड सीरियन ट्रूप्स टुगेदर इजराइल टुक इजराइल बाय सरप्राइज। तो ये 1973 की याद दिला रहा है, जब इजिप्ट और सीरिया, हमने देखा यहाँ पे आप देखिए सीरिया कहाँ पर है, सीरिया ऊपर से, इजिप्ट नीचे से, जब ये दोनों लोग अटैक किए थे इसराइल के ऊपर, और सरप्राइज अटैक था। ये वैसे ही कुछ याद दिला रहा है हमें। रेजिंग क्वेश्चन ऑन इंटेलिजेंस फेलियर, इसराइल मीडिया रिपोर्ट सेज एटलीस्ट 200 पीपल वर किल्ड। वाइल इट्स टू अर्ली टू ड्रॉ कंक्लूजन ऑन द पॉसिबल इम्पैक्ट ऑफ द अटैक ऑन इसराइल्स कंटिन्यूइंग ऑक्यूपेशन ऑफ द पैलेस्टीनियन टेरिटरीज, वन क्वेश्चन डेट डिमांड्स अर्जेंट अटेंशन इज वाई डिड हमास लॉन्च सच अ मैसिव इनकर्शन इन टू इसराइल नोइंग दैट द रिस्पॉन्स वुड बी दिस प्रपोर्शनेट। तो यहाँ पे साफ चीज बोल रहा है, इन लोगों को पता है कि इसराइल छोड़ेगा नहीं, क्योंकि नेतन्याहू ने, जैसे आपने देखा कि नेतन्याहू ने पहले ही बोल दिया कि हम अब वॉर पे हैं और हम वॉर जीतेंगे और उनको नहीं छोड़ेंगे, नेतन्याहू जी का ये स्टेटमेंट है। अब ये तो उन्होंने बोल दिया, पर ये जानते हुए हमस ने ऐसा क्यों किया? थ्री फैक्टर, एटलीस्ट थ्री फैक्टर, पैलेस्टीनियंस, इसराइल एंड जो जियोपॉलिटिकल कुड हैव इन्फ्लुएंस्ड हमास थिंकिंग। चलिए देखते हैं। डीपनिंग ऑक्यूपेशन, फर्स्टली यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आ रहा है आपका, फर्स्टली पैलेस्टीन इजराइल रिलेशन हैव स्टेडली डिटेरियोरेटेड इन रिसेंट ईयर। इजराइल हैज बीन कैरिंग आउट मिलिट्री रेड्स इन ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक ऑलमोस्ट ऑन डेली बेसिस। तो ये रहा आपका वेस्ट बैंक, जो मैंने आपको बोला यहाँ पे इजराइल अपना डेली बेसिस के ऊपर यहाँ पे आप देखिए क्या कर रहा है, मिलिट्री रेड्स कर रहा है। एटलीस्ट 200 पैलेस्टीनियन एंड सम 30 इजराइल्स हैव बीन किल्ड सो फार दिस ईयर। इन अप्रैल इजराइल पुलिस रेडेड जेरूसलम अल अक्सम मॉस्क। तो ये मॉस्क हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देखिए जेरूसलम, ये रहा जगह हमारे लिए, यहीं पे ये मॉस्क है आपका अल अस्का मॉस्क, ये मॉस्क हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड इस्लाम थर्ड थर्ड होलीएस्ट प्लेस ऑफ वर्शिप। तो ये इस्लाम का थर्ड होलीएस्ट प्लेस है। ट्रिगरिंग रॉकेट अटैक्स फ्रॉम गाजा। तो इसी के वजह से बोला जा रहा है गाजा से रॉकेट अटैक हुए हैं, विच वर फॉलोड बाय इजरायली इजरायली एयर स्ट्राइक्स।
In July, Israel carried out a major raid in the West Bank town of Jenin. तो आप देखिए यहाँ पे जेनिन टाउन भी है, ये रहा आपका जेनिन टाउन, ये जेनिन टाउन है, यहाँ पे भी इजरायली फोर्सेस ने अटैक किया है। करेंटली देर इज नो पीस प्रोसेस, तो अभी तो पीस नहीं है। वायलेंस इज प्रिजर्व परवर्स, ठीक है। एंड एंगर हैज बीन बिल्डिंग अप अमंग पैलेस्टीनियंस अगेंस्ट बोथ द इजरायली द प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वेस्ट बैंक दैट इज लेड बाय प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्बास फता बाय लॉन्चिंग सच ए मैसिव अटैक फ्रॉम गाजा विच इज कंट्रोल्ड बाय हमास। तो मैंने आपको बताया गाजा उसकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी है हमास। एंड आस्किंग ऑल अरब्स ऑफ पैलेस्टीन इंक्लूडिंग द इजराइल अरब सिटीजन टू टेक अप आर्म्स अगेंस्ट द स्टेट ऑफ इजराइल। हमस इज बोथ ट्राइंग टू कैश इन ऑन द पब्लिक एंगर अगेंस्ट ऑक्यूपेशन एंड इमर्ज एज द सोल पोल ऑफ द पैलेस्टीन कॉज, पैलेस्टीनियन कॉज। तो यहाँ पे हमस, यहाँ पे आप देखिए मसीहा की तरह काम कर रहा है, ऐसा दिखाया जा रहा है। डिवीजन इन इजराइल, सेकेंडली वो पहला रीजन था, सेकेंड अब आप देखिए सेकेंड। पहला रीजन हमने क्या देखा, यहाँ पे इजराइल के फोर्सेस जो बार बार अटैक कर रहे थे और यहाँ पे रेड कर रहे थे, और उसमें सबसे बड़ा नाम हमारे लिए आता है अलक्स द मॉस्क का। अब देखिए सेकेंड क्या है, डिवीजन इन इजराइल, सेकेंड इजराइल इज ऑल्सो गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट फेज। द कंट्री इज रूल्ड बाय इट्स मोस्ट राइट विंग गवर्नमेंट हुज की डोमेस्टिक एजेंडा इज टू ओवरहॉल द स्ट्रक्चर ऑफ पावर सो दैट द इलेक्टेड गवर्नमेंट वुड बी मोर पावरफुल देन एनी अदर इंस्टीट्यूशन। द गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी पुश्ड वन पार्ट ऑफ इट्स एम्बिशन लेजिस्लेटिव एजेंडा सीकिंग टू कटेल द पावर ऑफ द जुडिशरी थ्रू पार्लियामेंट विच ट्रिगर्ड मैसिव प्रोटेस्ट। थाउजेंड्स ऑफ मिलिट्री रिवाइविस्ट द बैकबोन ऑफ द IDF हैज जॉइन द रिलिटेंस एंड थ्रेटन्ड टू रिजाइन इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द नेतन्याहू गवर्नमेंट जुडिशियल ओवरहॉल प्लान। सो द गवर्नमेंट फोकस वॉज ऑन इट्स लेजिस्लेटिव एजेंडा। राइट ग्रुप्स आर अप इन आर्म शोइंग डीप डिविजन इन सोसाइटी एंड देर वर रिजेंटिंग वॉइसेस इवन विद इन द मिलिट्री। तो वहाँ पे इसराइल में आप देखिए कैसे एक सिविल वॉर का सिचुएशन बन चुका है। यहाँ पे सिंपल सी बात यह है, क्योंकि गवर्नमेंट आपकी राइट विंग है, वो सब कुछ कंट्रोल करना चाह रही है ऐसा बताया जा रहा है यहाँ पे, पर वहाँ पे मिलिट्री से लेके और कोई उनके साथ नहीं है। हमास माइट हैव थॉट दैट इसराइल वॉज अ वीक मूवमेंट इंटरनली, क्योंकि सिविल वॉर जैसा सिचुएशन बन रहा है, विच प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर इट टू लॉन्च एन अनप्रेसिडेंटेड अटैक फ्रॉम गाजा एंड ट्रिगर मोर वायलेंस इन द ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक। तो इन्होंने देखा कि इसराइल अभी थोड़ा वीक है, तो चलो मार दिया जाए, यही चल रहा था हमास के माइंड में। जियोपॉलिटिकल एंगल, लास्टली इट इज अनलाइकली टू बी अ कोइंसिडेंस दैट द हमास अटैक केम व्हेन इसराइल एंड सऊदी अरेबिया आर इन एन एडवांस स्टेज ऑफ नॉर्मलाइजिंग टॉक्स। रिसेंटली सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सेड इन एन इंटरव्यू दैट बोथ कंट्रीज वर मार्किंग प्रोग्रेस एवरी डे। इफ सऊदी अरेबिया द कस्टोडियन ऑफ द टू होलियस्ट मोस्क ऑफ इस्लाम एंड आर्ग्यूएबली द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल अरब कंट्री नॉर्मलाइजेस टाई विद इसराइल, अ डील विच इज बींग परस्यूडेड एक्टिवली बाय बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, इट वुड नॉट ओनली रीसेट वेस्ट एशियन जियो पोलिटिकल डायनेमिक्स बट ऑल्सो पुट हमास एट अ फर्दर डिसएडवांटेजियस पोजिशन। तो आप देखिए जैसे हमने देखा इसराइल का और आप देखिए इसराइल का और सऊदी अरेबिया का, सऊदी अरेबिया का यहाँ पे बताया जा रहा है जो दो होलीस्ट प्लेस है मक्का मदीना यहीं पर है, और एक ये थर्ड वाला है। अगर ये दोनों इसराइल और ये लोग अपना हाथ मिला लेते हैं, तो क्यों हाथ मिला रहे हैं, जो कॉरिडोर बन रहा है इंडिया से लेके यूरोप तक का, उस लिए अगर इन लोग के बीच टाइज नॉर्मलाइज हो जाती है, तो कहीं ना कहीं आप देखिए हमास जो है गाजा स्ट्रिप पे ये अपने डिसएडवांटेजेस पोजीशन पर आ जाएंगे। तो जैसे ये चीज़ें खबर आई कि ये चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही हैं, हमास ने ऐसा अटैक कर दिया। अब देखिए हमास जो है आपके अरब्स है, ठीक है, और कहीं ना कहीं अगर अब इसराइल रिटेलिएट करेगा, और रिटेलिएट करेगा तो अरब्स को मारेगा, अरब्स मारेंगे, अरब्स का मतलब मेरा मुस्लिम इस्लाम, तो अब सऊदी अरेबिया में मुस्लिम है, कहीं ना कहीं हो सकता है टाइज दोनों के बीच में खराब हो जाए। तो
तो ये सोची समझी चाल है जियोपॉलिटिक्स में, जियोपॉलिटिकल एंगल से, कि हमास ने अभी इसराइल के ऊपर अटैक किया है। सच ए रियलाइनमेंट इज ऑल्सो नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ ईरान विच बैक्स द इस्लामिक जिहाद एंड हमास एंड लेबनेंस हेजबोल्ला विच हैज इट्स ओन प्रॉब्लम विद इसराइल। ईरान एंड हेजबोल्ला वर क्विक टू वेलकम द हमास ऑपरेशन डिस्क्राइबिंग इट एज अ हीरोइक। तो आप देखिए, ईरान ने और हेजबोल्ला ने क्या बोला डायरेक्ट, कि हमास का जो ऑपरेशन है वो काफ़ी हीरोइक है। एज गाजा इज सेट टू विटनेस मैसिव इजरायली रिटेलिएशन इन द कमिंग डेज, इट्स नॉट इफ नॉट वीक्स द प्रोस्पेक्ट फॉर एन इमीडिएट नॉर्मलाइजेशन डील बिटवीन द सऊदी अरेबिया एंड द इजराइल वुड बी फर्दर कॉम्प्लिकेटेड। तो आप देखिए, इस आर्टिकल में हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, सबसे जस्ट अ सेकेंड, सबसे पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है लोकेशन, ठीक है। सेकंड, हमने देखा वाई हमास अटैक, इनको पता था इजराइल विल रिटेलिएट, तो इन्होंने क्यों अटैक किया। सबसे पहले हमने देखा एक रीजन कि इजराइल फोर्सेस का जो वेस्ट बैंक में वॉर क्राइम्स, आप इसको कह सकते हैं वॉर क्राइम्स, या यहाँ पे एक वर्ड था मिलिट्री रेड्स, आप देखिए मिलिट्री रेड्स ऑन डेली बेसिस बोला गया है, ठीक है, ये सही नहीं था। पहला रीज़न तो ये था, आप देखिए इसको ए लिख देते हैं, ये ए है पहला रीज़न। और यहाँ पे एक मॉस्क है अल अक्सा मॉस्क, प्लस अल अस्का मॉस्क, ये थर्ड होलीएस्ट प्लेस है किसका, इस्लाम का थर्ड होलीएस्ट प्लेस फॉर इस्लाम। सेकंड रीजन हमने क्या दिया यहाँ पर, सिविल वॉर सिचुएशन इन इज़राइल, राइट विंग गवर्नमेंट वर्सेस अदर्स, ठीक है। आप देखिए, तो यहाँ पे इज़राइल थोड़ा सा इंटरनली वीक है, ठीक है, इंटरनली वीक है, तो जब इंटरनली वीक है तो हमास गॉट अपॉर्चुनिटी, तो ठीक है, एक ये रीज़न। और एक हमने देखा जियोपॉलिटिकल एंगल, क्या था जियोपॉलिटिकल एंगल, नॉर्मलाइजिंग टाइज बिटवीन इज़राइल प्लस सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया के पास आप देखिए टू होलीएस्ट प्लेस है इस्लाम के लिए, कौन से, मक्का मदीना। इज़राइल के जो वेस्ट बैंक में है वहाँ पे एक है वेस्ट बैंक में, कौन सा है, अल अक्सा मॉस्क, जो हमने यहाँ पे बात करी। तो अगर ये दोनों के बीच में टाइज अच्छे हो जाएंगे, अगर टाइज यहाँ पे अच्छे हो जाएंगे, तो हमास जो है और ये एक डिसएडवांटेज पे हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए ये दो रीज़न, ये तीन रीज़न एक्चुअली थे कि हमास ने इसराइल को अटैक किया। और लोकेशन की जहाँ तक बात रही, लोकेशन मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझा दिया है, ये इसराइल आप देखिए यहाँ पे वेस्ट बैंक है, ठीक है, यहाँ पे वेस्ट बैंक है, यहाँ पे गाजा स्ट्रिप है, और यहाँ से अटैक हुआ है, और ये यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे जेरूसलेम है, जेरूसलेम में ही आपका अलक्स का मॉस्क है, और यहाँ पे तेल अवीव है। बस हमें इतना जानना है, ऊपर में सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट, मेडिटेरेनियन सी, ऊपर से लेबनन। तो बस इस आर्टिकल में हमारे लिए इतना ही रहता है इंपॉर्टेंट, हमें बस जानना था हम उसने क्यों अटैक किया, तो ये